भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, इच्छा निरोधा तपः। क्या सूत्र है? इच्छा निरोधा तपः। तपः यानी तपस्या। क्या है? इच्छाओं का निरोध करना तपस्या है। हम आपसे उपवास करने को नहीं कह रहे हैं। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि कहा तो है उपवास करो, वो भी तपस्या है, लेकिन उसके पहले इच्छाओं का निरोध करना तपस्या है। क्या है? इच्छाओं का निरोध करना तपस्या है। आपको कुछ लग रहा है मेरी बात पे? आप कुछ घुसे उसके अंदर? इच्छा निरोध को तप क्यों कहा? तपस्या मतलब कितनी बड़ी बात है कि इच्छा निरोध को तप कहा। बड़ी सूफी सी बात। चाय पीने का मन कर रहा है, नहीं चाय नहीं पीना, इच्छा निरोध कर दिया। ये ऐसे कपड़े पहनना है, ये कपड़े नहीं पहनेंगे बाकी दूसरे पहनेंगे, इच्छा का निरोध कर दिया। इसको तपस्या कह दिया, कितनी बड़ी बात है। और कर्मों की निर्जरा किससे होती है? पाप कर्मों की निर्जरा किससे होती है? तपस्या करने से होती है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक महिला है, महिला ही कर ले, नहीं ऐसा नहीं कि पुरुषों में इच्छाएं नहीं होती हैं, होती सब में है, लेकिन उदाहरण समझाने के लिए महिला को लिया है। अब एक महिला की इच्छा हुई कि वो डायमंड सेट खरीदे और उसको पहने, ठीक है, इच्छा हो गई अंदर में। अब यदि इच्छा पूर्ति हो गई तो खुश, और नहीं हुई तो क्रोध, नहीं हुई तो क्रोध। मान लो इच्छा पूर्ति हो गई और डायमंड सेट घर में आ गया। अब वो अपने हाथ में लेके बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, सभी एंगल से उस सेट को देख रही है, ठीक है। इतने में उसकी देवरानी है या सास है, रसोई में काम कर रही थी, उसके हाथ में आटा वगैरह लगा था और उसको पता चला डायमंड सेट आया है, वो भी रसोई से भागी भागी आई और उसके हाथ से छीन लिया। अब हाथ गंदे हैं, आटा लगा है, आटे लगे से हाथ को सेट को छीन लिया। अब गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? किसने ये गुस्सा करवाया? डायमंड सेट ने करवाया ना। किसके कारण आया? हार के कारण, क्रोध हुआ। अब उसने वो डायमंड सेट वापस लिया, उसको थोड़ा झाड़ा फूका और उसके बाद उसको पहना, सजी धजी, उसे शाम को शादी में जो जाना था। अब उस डायमंड सेट को पहनने के लिए उसने जब साड़ी पहनी तो इस तरह से पहनी कि वो डायमंड सेट अच्छी तरह से नजर आए, थोड़ा गला वाला खोल के वो साड़ी को पल्लू वल्लू ऐसे सेट किया कि वो नजर आए। तो मायाचारी हुई, हुई कि नहीं हुई? जैसा है वैसा नहीं दिखने की भावना क्या है? मायाचारी है। अब उसको पहन करके जब वो शादी में गई तो अभिमान आएगा कि नहीं आएगा? ऐ इसके पास तो कुछ नहीं है, देख मैं तो डायमंड सेट पहन के आई हूं और नया खरीदा अभी अभी मैंने। अभिमान आएगा कि नहीं आएगा? आया। क्रोध हुआ, मान हुआ, मायाचारी हुई। और लोभ तो है ही, भरा पड़ा है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है ना। और उसको लाएगी, संभालेगी, रखेगी, उसको अच्छी जगह रखेगी, कोई चुरा के ना ले जाए, या तो बैंक में रखेगी या लॉकर में रखेगी, अपने घर की तिजोरी में रखेगी, उसकी चाबी को संभाल संभाल के रखेगी, पूरी समय टेंशन, चाबी संभालना। अब सोती भी है तो पहले एक बार देख लेती चाबी है कि नहीं है, और रखेगी तो अपनी सिरहाने के नीचे रखेगी निकाल के कि कोई निकाल ना ले, उसको संभालने की भावना। अब वो लगातार वो संस्कार, वो लोभ के संस्कार, एक सेट की बात बता रही है अभी तो, और घर में इतनी सारी वस्तुएं हैं उसकी तो अभी मैंने गिनती नहीं करी है कि उन सबके कारण कितना क्रोध होता है, मान होता है, मायाचारी होती है, लोभ होता है, ठीक है। चार कषाय हो गई, एक हार के कारण से चार कषाय हुई, अब पांच पाप, पांच पाप भी इसके कारण से हो सकते, एक हार के कारण से। जिस धन से वो हार खरीदा है तो पैसा कमाया होगा। अब पैसा बिना हिंसा के नहीं हो सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य हिंसा भी होती है और भाव हिंसा भी होती है।
गाड़ी आ रही है जा रही है, माल आ रहा है जा रहा है, तो चींटियां मर रही हैं, कितने सारे जीव जंतु मर जाते हैं, तो हिंसा हुई है ना। और हमने अपने प्रणामों को उसके कारण से क्रोध मान व्यापार करने में क्रोध मान माया किया, तो उसमें भी भाव हिंसा भी हो गई, हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो ना, हुई ना, हिंसा हुई। दूसरा पाप कौन सा है, नाम बताओ ना, दूसरे पाप का क्या नाम हिंसा के बाद? क्या बात, इन्हें पता है इन्हें नहीं पता है? अच्छा है, पता नहीं है, कर लेते कोई बात नहीं, पाप थोड़ी लगेगा, ऐसे ही है ना, इसलिए नाम ही पता नहीं करते हैं। ऐसा नहीं डबल लगेगा कि पता क्यों नहीं किया, पहला पाप अज्ञानता का लगेगा और दूसरा पाप जो कर रहे हैं उसका लगेगा, फिर डबल लगेगा, अभी तो आपको सिंगल लग रहा है। तो दूसरा पाप झूठ। अब व्यापार क्या बिना झूठ के हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है, झूठ हो गया। चोरी, चोरी भी करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती? और कोई चोरी ना करो तो टैक्स की तो कहीं ना कहीं से बचा ही लेते हैं, है ना, तो चोरी भी हो गई। और कुशील, जब सजने सवरने की भावना आती है तो वासना भी जागृत होती है, तो कुशील हो गया। और परिग्रह को तो पाप का ही कहा है। तो एक हार में चार कषाय और पांच पाप हुए, हुए कि नहीं हुए? अभी इसी हार की जगह आप मकान को लगा लो, मकान की जगह आप कपड़ों को लगा लो, कपड़ों की जगह आप किसी भी चीज को लगा लो, यानी कि जितनी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं हमसे कषाय और पाप करवाती हैं। और जब इच्छाओं का निरोध किया जाता है तो मन शांत रहता है, और उस शांति को ही तपस्या कहा है। किसको तपस्या कहा है? शांति को। कौन सी शांति? जिस शांति में कषाय और पाप नहीं होते हैं। इसीलिए कहा है इच्छा निरोधा तपः। हो सकता आपने इस सूत्र को कई बार पढ़ा हो, लेकिन इस सूत्र के अंदर नहीं घुसे होंगे। भगवान महावीर का एक एक शब्द हमें शांति की तरफ ले जाता है, हमें सुख की तरफ ले जाता है। अब आप बताइए, आपको शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए ना, चाहिए। किस किस को चाहिए? सबको चाहिए शांति। अच्छा, शांति से क्या मिलता है? अरे सुख मिलता है, इतनी सी बात नहीं पता। शांति से क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अब कौन सा वाला सुख चाहिए? डायमंड सेट वाला सुख चाहिए? कौन सा सुख चाहिए? डायमंड सेट वाला सुख चाहिए या डायमंड सेट से सुख रहित वाला चाहिए? भाई जिनके पास नहीं है वो कहेंगे अच्छा चलो हम तो बच गए, हमारे पास है ही नहीं है और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम खरीद भी नहीं सकते, तो चलो हम तो बच गए। लेकिन जिनके पास है वो अभिमान मत करना, जिनके पास लाने की ताकत है वो इच्छा पैदा मत करना, तो आप इससे बच जाओगे। यदि इच्छाएं पैदा करोगे मिल जाए, घर वाले आपको खुश होके दे रहे हैं कोई बात नहीं, आप लो, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर से जो इच्छाएं पैदा कर कर के हम इकट्ठा करते हैं उसमें कषाय ज्यादा होती है। तुमने अपने मन में सोचा भी नहीं और कोई चीज तुम्हें मिल जाए तो ज्यादा खुशी होती है, और इच्छा करने के बाद लेट हो जाए तो उसमें कलेश और क्रोध भी होता है, होता कि नहीं होता? तो इसीलिए भगवान महावीर ने इच्छा निरोध है तपह कहा है। राग भी होता है, मोह भी होता है, द्वेष भी होता है, मतलब जितनी कषाएं जितने बुरे परिणाम इन सब चीजों के कारण से हो सकते हैं वो सारे परिणाम इससे होते हैं। और इससे रहित परिणाम को शांति कहा है, और उसी शांति को भगवान महावीर ने सुख कहा है। यह है सुख की परिभाषा। सुख की क्या परिभाषा है बताओ? अच्छा मेरे पास सुख है कि नहीं है? ना तो मेरे पास डायमंड सेट है, ना आपके जैसे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ना आपके जैसे मेरे पास कोई मकान है, ना मेरे पास कोई फैक्ट्री है, ना मेरे पास पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है, पीछे और कमंडल है। अब आप बताइए मेरे पास सुख है कि नहीं है? अब आप ये बताओ कि आप ज्यादा सुखी हो कि हम ज्यादा सुखी हैं? क्या बात है, आपको कैसे पता है?
आपका सुख तो वहां, आपको तो वहां लगता है अच्छी गाड़ी, बढ़िया गाड़ी खरीद लो, बढ़िया अच्छे कपड़े खरीद लो, बढ़िया अच्छे तरह तरह के बाल बना लो, बढ़िया ब्यूटी पार्लर हो आओ, अच्छा अच्छा खा लो, आपका सुख तो इसी में ही है ना। बताओ वो सुख सही है या त्याग वाला सुख सही है? क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया कि त्याग के सुख में चार कषाय और पांच पाप नहीं होते, इसलिए आपको बात समझ में आ गई है। त्याग क्यों अच्छा है? क्योंकि यह हमें कषाय और पापों से दूर ले जाता है, क्योंकि त्याग हमें हमारी आत्मा की सुरक्षा करवाता है। पाप अच्छा है कि खराब है? खराब है। अच्छा, तो पाप खराब है तो इच्छाओं से क्या मिलता है? पुण्य की पाप। क्या बात है, आप तो बड़े होशियार हो, आपको तो सब कुछ पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं लग रही है। इसका मतलब आप लोग कोई इच्छा पैदा तो नहीं करते होंगे? करते? ओहो, फिर तो मामला गड़बड़ है। मतलब ये भी पता है कि इच्छाओं से पाप होता है, कषाय होती है, और हिंसा झूठ चोरी कुशील होते हैं, और उससे पाप भी होता है, तो फिर आप जो है इसको क्यों करते हो? फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुमसे करवाती है? यहां बैठ के तो तुम्हें लग रहा हाँ नहीं करना चाहिए, सच में नहीं करना चाहिए, माता जी सही कह रही हैं, और जैसे यहां से बाहर निकलोगे माता जी को भूल जाओगे। और फिर वो ये जरा ठंडा लेके आ, अरे सर्दी हो रही, जरा चाय लेके आ, जरा कॉफी लेके आ, जरा गुटका लेके आ। अच्छा चलो, चाय कॉफी और भोजन तो आपकी जरूरी की चीजें हो गई, ठीक है, जरूरी चीज, आवश्यकता की चीज है, पेट भरना जरूरी है। लेकिन गुटका, शराब, सिगरेट, ये तो आवश्यकता नहीं है आपकी? अरे बोलिए ना, गुटका, शराब, सिगरेट, ये तो आपकी आवश्यकता नहीं है? ये क्या है फिर? गुटका खाते हो? कितने लोग नहीं खाते वो हाथ उठाएं, तो खाने वाले अपने आप दिख जाएंगे। भैया तू ही बचाए, तू भी छोड़ दे, यहां सारे बिना खाने वाले हैं, और तेरे दांत भी बता रहे हैं, अब छोड़ देगा? बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इसके लिए, बहुत अच्छा। यानी ये जितनी चीजें हैं ना, गुटखा, शराब, सिगरेट, और आजकल तो पता नहीं वो ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि इंसान की जिंदगी की आखिरी सांस छूट जाएगी मगर वो नहीं छूटती है, ऐसे ऐसे व्यसन आ गए। यानी जब वो तड़फता है तो उसके माँ बाप उसे खुद ला कर देते हैं, ले ले पी ले, वो नाम तो मुझे याद नहीं है, ड्रग्स, अच्छा ड्रग्स है, मुझे नाम नहीं पता है, क्योंकि हमारा इनसे क्या वास्ता है, है ना, हमें तो याद करने की भी जरूरत नहीं है इन्हें बस। लेकिन जब आपको समझाना होता है तब जरूर मुझे थोड़ी देर के लिए याद करना पड़ता है इन चीजों को। तो ये सब चीजें कम से कम हम आवश्यकता की पूर्ति करें, शरीर को तन ढकने की जरूरत है, ठीक है, पेट को भोजन की जरूरत है, ठीक है, एक बार भोजन खा लिया, दो बार खा लिया, बीच में पानी पी लिया, फल फ्रूट खा लिया, बहुत है। लेकिन अब शराब कहां से तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति है? शराब कोई आवश्यकता है कि तुम्हारी नहीं है आवश्यकता? फिर क्यों? फिर ये, फिर इंसान को कौन गिरा रहा है नीचे? फिर ये इच्छाएं नीचे गिरा रही है। लड़का गया व्यसन में, लड़का गया व्यसन में, लड़की गई फैशन में। फिर से सुन लो, लड़का गया व्यसन में, लड़की गई फैशन में, और घर वाले आ गए टेंशन में, और घर वाले आ गए टेंशन में। यानी एक कॉलेज में बच्चा पढ़ने क्या चला जाए, उसकी 50 इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। अच्छे कपड़े चाहिए कॉलेज जाना, अभी तक तो चलो स्कूल में थे तो ड्रेस थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कॉलेज में, अरे मम्मी आपको क्या पता है, सब लड़कियां इतनी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती, हम ऐसे ही पहन के जाएंगे क्या, हमें अच्छे कपड़े दिलवाओ। अब माँ बाप की हैसियत है नहीं है, तुम पढ़ने जा रही हो, तुम अच्छे कपड़े दिखाने नहीं जा रही हो वहां पर, ऐसा होता कि नहीं? अच्छा मम्मी हमारी फ्रेंड्स है ना, वो वहां पार्टी देती है,
सप्ताह में एक तरह एक जनों की तरफ से रोज होती है, हमें भी देनी पड़ेगी। अल्लाह, मैम तुम पढ़ने गई थी कि पार्टी लेने देने गई थी वहां पर? कॉलेज जाने का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई है, लेकिन उद्देश्य से भटक जाते हैं और दूसरी चीजों में फंस जाते हैं। इसी कारण से पढ़ाई आधे बच्चों की रह जाती है। बारहवीं तक बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं क्योंकि वहां अनुशासन है, और जैसे ही अनुशासन से खुले वैसे ही बिखर जाते हैं, और जैसे ही वो बिखरे बस उनकी पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट के फैशन और व्यसन में चला जाता है। और वर्तमान में इसका जोर इतना भयंकर है कि बच्चा घर से बाहर निकला फिर वो माँ बाप की नहीं सुनता है, सोचता है मैं जो कर रहा हूँ वो ही सही है। माँ बाप तो उसे पागल लगने लगते हैं, जिसने उन्हें लायक बनाया है वो उसे नालायक लगने लगते हैं। बच्चे को बारहवीं तक पढ़ा के किसने बड़ा किया है? किसने उसे शिक्षा दी है? किसने संस्कार दिए? माँ बाप ने। अब वो कॉलेज गया तो माँ बाप बेकार हो गए? नहीं, व्यसन और फैशन से अपने आप को अच्छा समझ के माँ बाप को खराब मत समझो, उल्टा कर रहे हो, इसका फल भोगना पड़ेगा, इसका फल तुम्हारे लिए भविष्य में खतरा है ये। और यदि अभी नहीं समझे तो आने वाले समय में आंसू बहा के समझना पड़ेगा। क्या बताया मैंने? यदि अभी माँ बाप की बात ना समझे तो आने वाले समय में मेरे पास जब तक खड़े हो या बैठे हो सब तरह की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अरे जिंदगी का आधा घंटा तो कम से कम आप चिंता मुक्त निकाल लो, बाकी तो चिंता है ताला और चाबी, यही तो संभालना है, या तो दुकान का या मकान का या तिजोरी का या लॉकर का, इसी में तो जिंदगी जा रही, ताले चाबी में जिंदगी जा रही है। और आखिर जब अंत समय आएगा तो वो भी छूट जाएगी, और जिसको संभाल रहे थे वो भी छूट जाएगा। तो जिंदगी के कुछ समय ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम चिंता रहित हो सके, चिंता से मुक्त हो सके, और वो समय धर्म के अलावा कोई दूसरा समय नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और जब भी हम जागृत होंगे ज्ञान से जागृत होंगे, जब भी हमारी इच्छाएं कम होंगी ज्ञान के माध्यम से ही होगी। किसी को आप कितना समझा लेना उसकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तक पुण्य पाप कषाय और इनके साथ में राग द्वेष मोह चारों गतियों की भटकन नरक के दुख जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक इच्छाएं कम होने वाली नहीं है। और आजकल बेचारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं बहुत आने वाले समय में परेशान रहेंगे, तुम देखना सही। दुख घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तुम ये मत सोचो कि मोबाइल आ गया तो दुख कम हो गया, तुम ये मत सोचो कि मोबाइल आ गया तो सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा। बोलिए बोलिए ना, मोबाइल आ गया तो सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा? दुख बढ़ा पक्का? आज से छोड़ दोगे? अच्छा चलो ऐसा करो तो मोबाइल का दिन में 2 घंटे का त्याग हो सकता है क्या? बस सुनने सुनने की छूट है, बाकी नहीं। चलाने में तो 2 घंटे चलाने का नियम, बाकी का त्याग। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। देख लो अभी आप ही ने कहा था दुख बढ़ रहा है मोबाइल से, तो मैंने कह दिया छोड़ दो। अब आप ही कह रहे नहीं चल सकता है तो दुख को साथ लेके घूमो। सबकी जेब में दुख घूम रहा है, सबकी जेब में दुख की घंटियां बजती हैं, बजती नहीं बजती हैं। मतलब दुख भी यदि आदत बन जाए तो नहीं छूटता है। क्या कहा मैंने? दुख भी यदि आदत बन जाए तो उसको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जितने भी ये व्यसन की चीजें हैं, एक ये जो श्रृंगार है ना, श्रृंगार भी व्यसन की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि उसके बिना आप रह नहीं सकते। और खोटी आदत को व्यसन कहते हैं। व्यसन की क्या परिभाषा है? खोटी आदत को, जोर से बोलो, बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। गति के संस्कार यदि एक बार मिल जाए
और अंदर में वो संस्कार चले जाएं, तो कहीं भी हो वहां पहुंचने में फिर देर नहीं लगती है, अपने आप ही लगता नहीं जाना है जाना है। कई बार नहीं जा पाते हैं, कई बार लोग बताते हैं हमने 4 बार टिकट करवाए, 4 बार रिजर्वेशन करवाया लेकिन नहीं पहुंच पाए, ऐसा कई बार हो जाता है। तो भाव तो अंदर में बने रहते हैं, तीव्रता उठती रहती, जाना है जाना है। हो सकता आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि कई दिन से आप सोच रहे हो लेकिन आने का प्रोग्राम आज का बना हो, ऐसा हो जाता है, लेकिन अंदर के भाव वेग में कमी नहीं आती है। तो बंधुओं, आप सब लोग बड़ी दूर दूर से आए, कोई रोहतक से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई छतरपुर से, चलो महत्व बता देती हूँ, ठीक है। चलिए में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पानी में खोलने का, बनिया में तोलने का, आपके जोर से बोलने का, क्या बात है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, मंदिर के द्वार का, महिलाओं में हार का, क्या बात है। आप हंसे क्यों, हार वैसे हार होती है। मंदिर के द्वार का, महिलाओं में हार का, और आने में मदन कौशिक जी के हरिद्वार का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में छतरपुर और जयपुर का, लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में रोहतक का। और कहां से आए हैं, उज्जैन। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। घाटोल, सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का, और आने वालों में घाटोल का। अहमदाबाद, गुरुओं के आशीर्वाद का, होने में आवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। अब तो हो गए सारे, एक बचा है, जोर से बोलो, खाते गांव, खाते खाते गांव। अच्छा, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में खाते गांव का। आम की बोर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। सावन में बारिश का, नहीं करने में साजिश का, और आने वाले आपके साथ आने में पुलिस का। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। और कहाँ से आए हैं, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में खाते गांव का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में डीमापुर और जयपुर का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का, बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का, बड़ा ही महत्व है। बीना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में बीना का, बड़ा ही महत्व है। ध्यान करने में ईश्वर का, ध्यान करने में ईश्वर का, भक्तांबर के परमेश्वर का, और आने वालों में महेश्वर का। छिंदवाड़ा, हाथ में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। मनावर, बारात में वर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में मनावर का। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का, बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। आम की बोर का, खाने में कौर का, और आने वालों में मंदसौर का। भोजन में मना का, अब नहीं चाहिए, भोजन में मना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में गुना का। घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में लोहारदा का।
बाल कटाने में नाई का, बरसात में काई का, और आने वाले में रुठियाई का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, आने वाले में गोटी गांव का। लड़ाई में अनशन का, पर्यावरण में प्रदूषण का, और पाप में दूषण का, और आरी कावों में स्वस्ति भूषण जी माता जी का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, भीलवाड़ा की महिलाओं का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का, और आने वालों में दुर्ग का बड़ा ही महत्व है। हरदा, अच्छा, छोड़ने में जर्दा का, छोड़ने में जर्दा का, मैं बता रही हूँ ना, छोड़ने में जर्दा का, खिड़की में पर्दा का, और आने वालों में हरदा का। वृक्ष की जड़ का, और वृक्षों में बड़ का, और आने वालों में नारायण गढ़ का। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, आहुति कितने जन्म की, भोगों में दे दिया, भोगों में दे दिया, पुण्यों का फल ये नरितन, विषयों में खो दिया, विषयों में खो दिया। ओ मनिवारे, पुण्यों का फल ये नरितन, विषयों में खो दिया। पिंजरे की पंछी बन गई तेरी आत्मा, पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, कितने जन्मों की भटकन, सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा, अपने बाबुल घर जाने, कहती ये आत्मा, कहती ये आत्मा। ओ मनिवारे, अपने बाबुल घर जाने, कहती ये आत्मा, कर्मों के जाल को तोड़ो, कहे आत्मा। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझको जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तारे के जैसी चमकती, उज्ज्वल थी आत्मा, उज्ज्वल थी आत्मा, जल जल के राग द्वेष में, विकृत हुई आत्मा, विकृत हुई आत्मा। ओ मनिवारे, जल जल के राग द्वेष में, विकृत हुई आत्मा, संवर से कर्म को रोको, कहे आत्मा। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनिश्वरनाथ भगवान की कृपा, और परम पूजनीय गणनीय रेखा रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहें।
और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाज पूरा करके बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, दस लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में चार प्रकार के दान बताए हैं, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के दो पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांश ने और उसी समय से ये परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थाई मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, कई साधु संत, आर्य कामाता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि इसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की, त्यागी वृत्तियों की, आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान त्रूफंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की गई वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, दस लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन।
द्वार सजेगी बंदनवार, भगवान श्री मुनि सुव्रत नाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्य का श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव, शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रत नाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्योछावर राशि 5100 रुपए, 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य भक्ति नाटिका मंचन आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 8745020200000070। IFSC कोड PUN B08745000। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 07990100017683। IFSC कोड BARB0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें, आज ही संपर्क करें।